दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं सुषमा मुनेंद्र जी। सुषमा मुनेंद्र जी एक वरिष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार हैं, और अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो एक साहित्यकार, कंप्लीट साहित्यकार है। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत के मंच पर। आपने इस मंच में आने का अवसर दिया, क्योंकि हाँ, मैं नहीं, थोड़ा नहीं, सा बड़ा जिस तरीके से आपने बताया सब कुछ सही पूरा कनेक्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली मैं पहले ही आपको बुलाना चाह रहा था, मेरे मुझे जब सूचना मिली तो पर यह था कि मैं रोज कर रहा हूँ तो एक हफ्ते 10 दिन की मैं का प्रोग्राम पहले से ही बना लेता हूँ असल में, तो पहले बात तो इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको बुलाने में थोड़ी सी देर हो गई। नहीं, कोई देर नहीं, आपने बुलाया, सब हर काम का एक सही वक्त होता है, वो वक्त है आज। तो दोस्तों, मैं अभी सुषमा जी के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी मेरे पास है वो उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसको। और जैसा कि मैंने बताया कि सुषमा जी जो हैं वो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और भी आलेख वगैरह इनके निकलते रहते हैं, संस्मरण वगैरह इन्होंने लिखा है। मैं इस पर थोड़ा सा बातचीत कर ले रहा हूँ, आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। इनके 2 उपन्यास आ चुके हैं, एक है छोटी सी आशा और दूसरा उपन्यास जो है वो गृहस्थी। और इनके 13 कहानी संग्रह आ चुके हैं। कहानी संग्रह इनका है मेरी बिटिया, दूसरा है महिमा मंडित, एक है तीसरा है नुक्कड़ नाटक, चौथा है मृत्युगंध, पांचवा है अस्तित्व, छठा है अंतिम प्रहर का स्वप, सातवां है विलोम, आठवां है जसोदा एक्सप्रेस, नवा है ऑनलाइन रोमांस, ये तो आज के जमाने का होगा, 10वां है अपना ख्याल रखना, और 11वां है शानदार शख्सियत, 12वां है प्रेम संबंधों की कहानियां, और 13वां है नजर बुरी न मुंह काला। इनकी कहानियों का मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। छोटी सी आशा जो इनका उपन्यास है उसका मराठी वो असमिया में अनुवाद हो चुका है। व्यक्तित्व कृतित्व पर कुछ शोध कार्य इनका हुआ है, मतलब इनके लिए ये लोगों ने किया हुआ है। कहानियां कई प्रतिनिधि संकलनों में संकलित भी हैं। कुछ कहानियों का मंचन हुआ है, यानी कि उनका नाट्य रूपांतर लोगों ने किया है और उसका मंचन किया है। इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का प्रादेशिक सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार मिला है, गायत्री कथा पुरस्कार ये मध्य प्रदेश का ही है, प्रकाश रानी हरकावत पुरस्कार इनको मिला है, और निर्मल साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश, रत्नकांत साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश, परिधि साहित्य सम्मान मध्य प्रदेश, उच्च कल्प साहित्य सम्मान मध्य प्रदेश, कमलेश्वर वर्तमान साहित्य कथा पुरस्कार अलीगढ़। ये वर्तमान साहित्य जो विभूति नारायण राय निकालते थे जी, उन्होंने ये शुरू किया था पुरस्कार, तो सबसे पहला पुरस्कार मेरी कहानी को मिला था। फिर राधेश्याम चितलंगिया पुरस्कार लखनऊ, हीरालाल शुक्ल पुरस्कार जयपुर,
कलमकार कथा पुरस्कार दिल्ली, प्रेमचंद का हंस कथा पुरस्कार, हंस कथा सम्मान जो मिलता है, बिंद विंद शिखर सम्मान सहित कई क्षेत्रीय पुरस्कार भी आपको मिल चुके हैं। निर्मला जी, पहले तो ये बताइए कि आप इतना लिखती हैं, आपने लगभग 300 से ऊपर आपने कहानियां लिखी हुई हैं, आपने दो उपन्यास लिखे हैं और आपकी चर्चा हमेशा होती रहती है, आप फेसबुक पर क्यों नहीं, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आजकल तो आदमी लिखना कलम पकड़ता है और पहले तो फेसबुक पे आ जाता है, आप फेसबुक पर क्यों नहीं आए? वो बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो टेक्नोलॉजी है मुझे बहुत समझ में नहीं आती है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, मुझे लगता है कि मैं 2-3 साल पहले आई हूँ, जब ये जरूरी हो गया कि संपादक कभी कहने लगे कि व्हाट्सएप में आप अपना फोटो दे दें या परिचय दे दें, तो वो जब मुझे ऐसा जरूरी लगा तो ही मैं आई। फेसबुक में टेक्नोलॉजी, कई लोग, आज की जो पीढ़ी है वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को तो मुझे मेंटोर बनाना चाहिए कि आपने कैसे सीखा था वो हमको ही बताओ। तो एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं उसमें इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। हालांकि ये बात सही है आपकी, लेकिन सोशल मीडिया आजकल एक मंच हो गया है जिससे आपसे लोग जुड़ सकते हैं और देश के नहीं विदेश के लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं। और फिर एक्चुअली क्या है कि जैसे आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल खोजने में मुझे बहुत मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा, फिर मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो अपना एक संक्षिप्त परिचय मुझे भेज दीजिए। तो फेसबुक के कोई फायदे भी हैं, वैसे तो टेक्नोलॉजी है, ये कुछ नुकसान भी है वैसे। फायदे हैं, लेकिन मेरा जो ऐसा एकांत में मैंने अपना लेखन कार्य किया, जो आज एक शब्द बहुत चल रहा है क्वारंटीन, समझ लीजिए क्वारंटीन में ही मेरा पूरा समय बीत रहा था, तो उसी तरीके से मेरा ये लेखन हुआ। तो ये कह सकते हैं कि लेखन इतना ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ लाभ उसका मिला, ये कारण। और फेसबुक में तो सिर्फ यही था कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकती हूँ, तो फिर बार बार किसी से घर में हेल्प लेना, सबके इतने काम है, और एक बार फेसबुक में आ जाऊँ और यदि कोई रिस्पॉन्ड उस समय कर रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स चाहते हैं और मैं प्रॉपर ना एक्टिव हो सकी, तो फिर वो थोड़ा सा भद्दा लगता है इस वजह से। पर लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ देखिए, एक फायदा ये है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सही बात है। और वैसे बहुत से हैं रचनाकार जो वेब मैगजीन में मेरी कहानियां डालते रहे हैं, मेरे बारे में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं से लोगों तक एक संपर्क बना रहता है। अच्छा, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि इसे आप का जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरीके से आपका बचपन बीता, और पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई, और साहित्य के प्रति, खास करके कहानियों के प्रति आपकी रुचि, अभिरुचि कैसे पैदा हुई? मेरा जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है, और मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, अब तो नहीं है वे, लेकिन जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता रहा, इंदौर, भोपाल, सागर, यहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। मेरे जो पिताजी थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कहना चाहिए कि वो न्यायाधीश में, अदालत में ही नहीं, वो घर में भी एक कठोर न्यायाधीश थे, तो वो जो एक नियंत्रण था, तो वो नियंत्रण कहीं ना कहीं आपको मेरे रचना कर्म में दिखाई दे रहा होगा कि मैं उतना जैसा लिखा जा रहा है कि बिल्कुल किसी समस्या को इतना खुलकर उस तरीके से मेरी रचनाएं नहीं है, समस्याएं हैं उसमें, लेकिन मैं बड़े एक शालीन तरीके से, तो जो बचपन के संस्कार होते हैं वो मुझे लगता है कि पूरे जीवन हमारे साथ रहते हैं, और जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई वो कहीं ना कहीं एक संस्कार में वो चीज़ें आ गई, यानी वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम लोगों को ठीक है शिक्षा के लिए, मेरा MSc प्रीवियस मैंने केमिस्ट्री से किया, इसके बाद मेरी 19 साल में शादी हो गई, तो मेरा फाइनल आज तक नहीं हो सका। तो पिताजी का ये था कि शैक्षणिक संस्थानों के अलावा हम लोगों का कहीं भी आना जाना, एक तो हम लोग 4 बहनें पहले, फिर हमारे मेरे भाई जो हैं वो बाद में हैं, तो जो भी उनके मानस में रहा हो, और ये भी था कि आज से आप 40 साल पहले की बातें सोचिए, तो एक बड़ा बंद सा समाज था, तो वो चाहे हम लोग की सुरक्षा की दृष्टि से या जिस भी दृष्टि से, तो हम लोग सिर्फ शैक्षणिक संस्थान जा सकते थे, बाकी कहीं नहीं,
और शैक्षणिक संस्थान में भी उन्होंने हम लोगों को गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाया। इसके पीछे क्या कारण था? तो वो था कि फुसलाने वाले लड़के मिलेंगे। ठीक है, यदि फुसलाने वाले लड़के हैं तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कहीं नहीं ध्यान देती थी, और हम लोग, मैं इसी तरह की थी। तो वो जो एक उनका नियंत्रण था, विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे तो जो प्रेम शब्द है ना, वो बिल्कुल अनैतिक लगने लगा। मैंने अब 350 कहानियां लिखी हैं, कुछ लिखी हैं प्रेम कहानियां, लेकिन जितनी लिख लेनी चाहिए थी उतनी मैं नहीं लिख सकी। और जो भी मैंने लिखी, वैसे प्रेम संबंधों की कहानियां, एक मेरा पूरा कहानी संग्रह है, लेकिन उन सब में जो उसका रिजल्ट रहा वो नकारात्मक रहा। यानी मैं कहीं ना कहीं मेरा प्रेम जो भी मैंने दिखाया वो असफल हो गया। तो ये जो एक मानस में चीजें बैठ जाती हैं जो बचपन की, उससे फिर निकलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो शिक्षा के अवसर तो उन्होंने पूरे दिए, लेकिन ये जरूर था कि घर में वो, हम लोग घर से बाहर, मतलब शाम को जब सिविल लाइन्स के बच्चे खेलने जाते थे तब भी हम घर में रहें तो पत्रिकाएं मंगाते थे, पराग है, ये नंदन, और धर्मयुग, सप्ताह है, हिंदुस्तान, ये सब। हालांकि मेरा कहीं से भी कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं, मुझे तो लगता है कि अपने कुटुंब में पहली हूँ जिसने कि साहित्य की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो वो जो पत्रिकाएं थी और मुझे पढ़ने में रुचि थी, तो मैं कोर्स की किताबों के साथ साथ नहीं पढ़ लेती थी। अब हो सकता है कि मेरे भीतर का यदि रचनाकार था तो उसी समय तैयार हुआ हो। यहाँ तक कि जब शाम को बच्चों खेलने का वक्त था तो उन्होंने एक ट्यूटर हम लोग के लिए नियुक्त कर देते थे, तो वो हम सभी भाई बहनों को एक साथ बैठाकर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीन विषय पढ़ाते थे। और जब खेलने का वक्त खत्म होता था तब वो ट्यूटर जाते थे, तो हम इस तरीके से घर में ही। लेकिन उसका भी फायदा, अतीत हम लोग, हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि जो भाषा का संस्कार मुझे मिला, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड था। बहुत सी चीजें हैं ऐसी कि अब उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी नैतिकता थी, वो कहीं ना कहीं मेरे स्वभाव में है, और मैं इस तरीके के ही हमेशा सकारात्मक पात्र ही तैयार करती हूँ। तो कोई वातावरण तो नहीं था, लेकिन इससे मैं नहीं कह सकती। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं रचनाकार बन कैसे गई, क्योंकि मुझे कल्पना भी मैंने नहीं की थी कि मैं कभी रचनाकार बनूंगी। यहाँ तक कि जब 19 साल में शादी होती है और यहाँ सतना आ जाती हूँ, तब से मैं सतना में हूँ। और फिर 2-3 साल में वो दोनों बच्चे मेरे इस तरीके से साल भर के छोटे बड़े बड़ा जल्दी हो गए, वो जुड़वा की तरह उनका पालन पोषण हुआ। और बहुत उस समय गृहस्थी का इतना काम था कि मुझे लगा कि मैं भूल ही चुकी थी कि पढ़ती भी थी, लेकिन कभी कोई किताब मुझे मिल जाए। उसी समय मैंने ये अमृतलाल नागर जी की नाचियो बहुत भोपाल, और ये उनका जो मानस का हंस, जो भी मुझे पुस्तक मिलती थी, मतलब पुस्तकों से मित्रता भी मेरी बहुत काम आई। और अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कब पहले छोटी छोटी रचनाएं, हो सकता है कि हाँ जो स्थानीय अखबार है उनमें कुछ छोटा सा लेखन शुरू किया हो, पर बहुत मेहनत के बाद मैंने एक कहानी लिखी थी घर, वो 1982 में सरिता पत्रिका में छपी। लेकिन वो यही समय था कि साल में एक या दो कहानियां ही लिख पाती थी, और वो छपती भी नहीं थी, वापस लौट आती थी। मतलब एक सदमा जैसा लगता था, क्योंकि उस समय ये भी तमीज नहीं थी सोचने की कि नहीं कहानी सही नहीं थी। मुझे तो अपना लेखन सारा बिल्कुल उत्कृष्ट लग रहा था, कुछ 19 कविता, यही लागना निका वाला। तो लेकिन अब मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ संपादकों को जो मेरी कहानियां लौटा रहे थे, क्योंकि यदि वो कहानियां कहीं किसी की नजर में चली जाती तो आज मेरा रचना कर उस पर तो बिल्कुल एक धब्बे की तरह होती, क्योंकि अब मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। बहुत समय मेरा ऐसा निकल गया, मेरा रचना कर बच्चे स्कूलिंग के बाद पढ़ने वापस चले गए, वो मैं क्वारंटीन मेरा तब से शुरू हुआ, जो कि 20 साल अब तो हो रहे हैं उसको। और साहित्यिक पत्रिकाओं में मैंने तब तक कहानियां नहीं भेजी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तैयारी 1997-98 तक मैंने साहित्यिक पत्रिकाओं में, आजकल मैं देख रही हूँ कि जो बिल्कुल नई पीढ़ी, जो ये रचनाकार 20-22 साल के आ रहे हैं, पहली ही कहानी अपनी इतनी तैयारी के साथ और ये साहित्यिक पत्रिकाओं में भेजते हैं, वो सब मुझे मालूम ही नहीं था। एक तो सतना एक मतलब स्मॉल टाउन है, यहाँ भी कोई ऐसा साहित्यिक माहौल नहीं था, मेरा कोई मेंटोर नहीं थी, मेंटोर कहूँ तो मेरी किताबें ही थी। उन्हीं से मैंने सीखा, पढ़ पढ़ के सीखा। जब मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि मेरी ऐसी तैयारी है कि मैं साहित्यिक पत्रिकाओं में लिख सकती हूँ, तो पहली कहानी मैंने जो उस समय भेजी थी, हंस में भेजी, नुक्कड़ नाटक। तो समय उस समय राजेंद्र यादव जी थे, उन्होंने वो कहानी तुरंत ही स्वीकृत की। मैंने राजेंद्र यादव जी का, मतलब ये एक उनका बड़ा अच्छा, उनमें सकारात्मक भाव देखा कि यदि उन्हें कहानी पसंद है तो वो ये नहीं देखते थे कि किसी ने पहली कहानी है, या कि अभी तक कहीं साहित्यिक पत्रिकाओं में नाम ही नहीं देखा, उन्होंने वो कहानी मेरी ली। वहां से फिर मुझे और भी पत्रिकाओं के नाम मालूम हुए, इस तरीके से मेरा ये साहित्य की तरफ फिर मैं धीरे धीरे आई। तब से तो फिर इतने संग्रह आ गए, उपन्यास आ गए, और वो सिलसिला भी चल रहा है।
आपने अभी बताया कि पढ़ने का शौक आपको बहुत था, हाँ और बेसिकली आप पढ़ते पढ़ते ही लेखिका बनी है। पढ़ते पढ़ते मेरे गुरु, मतलब समझ लीजिए मेरा जो अभ्यास रहा, जो किताबें ही मेरी गुरु हैं। और मैं ये हाँ जरूर सबको कहूंगी कि किताबें पढ़ना ही चाहिए, जरूरी नहीं कि आप रचनाकार हो, लेकिन किताबों से एक जो पूरी दुनिया खुलती है हमारे सामने। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम दुनिया भर के अनुभव ले लेंगे। खासतौर पर यात्रा वृत्तांत तो मैं इतने ज्यादा पढ़ती हूँ कि मुझे लगता है कि ठीक है, मैं वहां नहीं पहुंच सकी पर पुस्तकें मुझ तक पहुंच गई, वो सब जानकारी देने के लिए। सब बहुत जरूरी है किताबें पढ़ना। हाँ तो ये बताइए कि हिंदी साहित्य के किस कहानीकार ने आपको प्रभावित किया? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपने विदेशी साहित्यकारों को भी पढ़ा है, उनके बहुत अनुदित रचनाओं साहित्यकारों, को, मेरे तो पास पूरा बैग है कहानी, बहुत पुस्तकें हैं। ये बताइए कि एक तो हिंदी साहित्य में किस कथाकार ने आपको बहुत प्रभावित किया है, और दूसरा विदेशी साहित्य में आपको किस कथाकार ने बहुत प्रभावित किया है? कथाकारों की तो आप बात क्या करूं, इतना मतलब जब से प्रेमचंद के समय से सोचिए कथा आज किस ऊंचाई पे पहुंच गई है वो दिखाई दे रहा है। इतने प्रयोग, इतने भाषा के स्तर पर कहाँ पहुंच गई है, और कितने ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी स्थितियां उसमें ला रहे हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि 3 पीढ़ी, बल्कि तो मुझे लगता है कि 4 पीढ़ी के कथाकार इस समय सक्रिय हैं। और वो अपने आयु और अनुभव के हिसाब से, वो उन्होंने जो देखा है अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि हम जो बोलते हैं कि साहित्य और हमारा समाज, हमारा समय, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सब एक ही कालखंड में है, लेकिन हमारा समय वह है जिससे कि मैं क्रॉस हो रही हूँ। जैसे मैं सतना, ये स्मॉल टाउन है, कस्बा, मेरे गांव से ही मैं थोड़ा सा मतलब हूँ, संपर्क में हूँ, तो मेरा जो साहित्य है वो वहाँ से आएगा। जो महानगरों में उनका साहित्य वहाँ से आएगा। तो जितने भी कथाकार हैं इतना वास्तविक और इतना प्रामाणिक लिख रहे हैं। अब किसी एक कथाकार को, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे रचनाएं ज्यादा प्रभावित करती हैं, पर कथाकार तो इतने श्रेष्ठ हैं, उनका तो नाम बताने की जरूरत नहीं। बस इतना सबसे परिचित हूँ मैं पत्रिकाओं के माध्यम से, तो वो तो निश्चित रूप से ही, लेकिन फिर भी बहुत। और लेखिकाएं तो मुझे लगता है इतनी संख्या में इस समय आ गई हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, शिक्षा का जब स्तर बढ़ा तो आखिर एक समय था कि साहित्य तो वर्जित था स्त्रियों के लिए, लेकिन जब शिक्षा का स्तर बढ़ा तो उसका पूरा पूरा उपयोग रचनाकारों ने किया। और आज इतनी अच्छी स्थितियां, आज तक जो उन्होंने अपना पक्ष वो लिख रही हैं, स्त्री के बारे में लिखा गया लेकिन पुरुष की दृष्टि से, लेकिन आज वो अपनी दृष्टि से लिख रही हैं। तो कथा जगत इतना समृद्ध हो गया है। विदेशी साहित्य की आप बात करूं तो जितने भी अनुवाद है, वैसे विदेशी साहित्य के अनुवाद में सुल्तान सुन्नी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो पत्रिकाओं में जब भी मुझे उनका अनुवाद मिलता है तो बिल्कुल एक अलग उनका संसार है, एक अलग तरीके का, लेकिन उसमें भी एक कहना चाहिए सकारात्मकता बहुत होती है, वो मुझे प्रेरित करती है। बहुत कुछ हमें विदेशी उनसे, उनका जो अनुशासन है विदेशियों का, और जो उनका वो हमें सीखना चाहिए उनका। अच्छा, एक सवाल और है जो आपने भी बात कर रही हाँ थी आपकी। आपने एक तो आपका बचपन बहुत डिसिप्लिन में बीता, बचपन से लेकर पढ़ाई तक, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये है कि आप हमेशा जो है वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हैं, और को एजुकेशन में आप इसलिए नहीं पढ़ी और आपको नहीं पढ़ाया गया कि कहीं नहीं ऐसा ना हो कि लड़के, मतलब लड़कों के बारे में जो है कि एक धारणा थी कि लड़के लड़कियों को फुसला लेते हैं। तो इससे एक स्थिति तो ये उत्पन्न होती है कि लड़कों से एक हमेशा भय सा बना रहता होगा, मतलब मानसिक तौर पर। दूसरी बात यह है कि जो प्रेम संबंधों की कहानियां आपने लिखी हैं जिसमें कि असफल प्रेम हुए हैं, तो ये मतलब कैसे कर पाई आपकी प्रेम संबंधों की कहानियां भी आप लिख पाई, क्योंकि अनुभव तो उस तरह का रहा नहीं है आपका। हाँ नहीं, लड़कों से ऐसे भय की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में पढ़े, लेकिन अपना एक आत्मविश्वास होता है, और जो शिक्षा की वजह से जो एक आत्मविश्वास मिल जाता है वो मिला। लेकिन मेरा पारिवारिक परिवेश, यानी पितृ ग्रह का हो चाहे यहाँ का हो, थोड़ा सा ऐसा रहा कि बिल्कुल एक सीमित दायरे में, उसी में रह के मैंने अपना इतना ज्यादा काम किया है। पहले तो ये था कि
कुछ लिख रही हूँ और यदि वापस आ रहा है तो घर के लोगों को लगता था कि मैं तो गृहस्थी भी बिल्कुल बर्बाद कर रही हूँ और कुछ छप भी नहीं रहा है तो बस कागज काले किए जा रही हूँ। लेकिन जब छपने लगा तब फिर घर के लोगों को लगा कि नहीं, मैं वो अभ्यास था, मैं काले कागज नहीं कर रही थी। और प्रेम कहानियां तो मैं इसलिए लिख सकी कि जो प्रेम एक जो बिल्कुल आदर्श स्थिति होती थी ना उस समय प्रेम की, वो तो बिल्कुल 60-70 के दशक की, वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। अब जिस तरीके का प्रेम आ रहा है वो चीजें उसमें नहीं है। प्रेम में देखिए तो अपना एक स्वहित है, बहुत तो ऐसे है कि अवसरवादी भी हो रहे हैं कि इसलिए हमने प्रेम कितना है, ये लिव इन रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सब भी प्रेम में आ रहे हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे भी उसमें एक कहानियां देखी, मुझे हमेशा ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों की ही गलती नहीं होती है, लड़कियां भी कई बार ऐसा कुछ अपना उपयोग कर लेती हैं स्थितियों को। तो एक मेरी जो उसमें कहानी है तो उसमें मैंने यही देखा है कि किस तरीके से एक लड़की है कि जो एक लड़के, वो बहुत इंटेलिजेंट है तो उससे प्रेम का वो करके सारे उसके नोट्स ले ले रही है और सब सब कुछ कर रही है। इसके बाद उसको जब पूरा उसका पीजी हो गया, अब कोई दूसरा लड़का उसको पीएचडी के लिए कह रहा तो उस लड़के की संगत पकड़ लेती है। तो ये भी सब स्थितियां इस समाज में आ रही हैं। और अब समाज में तो देखिए तो क्या नहीं हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप है, ये सिंगल पेरेंसी, अनवेड मदर, क्या क्या तो है। तो ये सब कभी ना कभी तो प्रेम से ही संबंधित रहा ना। तो प्रेम का थोड़ा सा जो है वो स्वरूप भी मुझे लगता है कि इधर बदल गया है। अब कोई बिल्कुल कहा जाए कि प्रेम में तो लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए जान वैसे नहीं, पर वो भावुकता में हो रहा है कि वो बहुत कम उम्र में, ऐसे तो मैं सुन रही हूँ कि कहीं अभी भी यहाँ पेपर में आप रोज देख लीजिए कि प्रेमी प्रेमिका ट्रेन की में कट गए कि क्या हो गया, ऑनर किलिंग भी है। लेकिन प्रेम की परिभाषा तो इधर बहुत बदली है। वो जो पहले फिल्मों में भी आप देखते थे कि बिल्कुल वो तुम ही मेरे मंदिर, और वो वाली स्थितियां नहीं है, प्रेम का स्वरूप ही बदल गया ना। इसलिए मुझे लगा ये स्थितियां थोड़ा सा सामने आना चाहिए। देखिए इनके नकारात्मक परिणाम भी तो कुछ हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जो पहचान है वो मुख्य पारिवारिक और सामाजिक कहानियां लिखने की है। क्योंकि मैं हमेशा परिवार और समाज को जरूरी मानती हूँ कि परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई है। बहुत सोच समझ के हमारे समाज शास्त्रों ने ये चीजें बनाई होंगी, लेकिन ये जरूर है कि जो परिवार और समाज की जो मेरी सामाजिक पारिवारिक कहानियां है वो विशुद्ध पारिवारिक कहानियां नहीं है। इतना बदलाव, और खास तौर पर जैसे 21वीं सदी में शुरू होती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एक ओवरनाइट चेंजेस जो हो जाते हैं, ये भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, उत्तर आधुनिकता है, इनका असर भी तो परिवार पर आ रहा है। तो वो जो सब चीजें हैं उसको मैं इस तरीके से एक मनोविज्ञान उसमें डालती हूँ कि वो पारिवारिक ही ना लगे, और भी जो तमाम समाज में घटनाएं घट रही हैं। अब आप देखिए जैसे गांव की ही बात करूं तो गांव में भी परिवार उस तरीके के नहीं रह गए। बहुत हल्ला मचा था ये कि सबसे बड़ी एक घटना बताई जा रही थी कि संयुक्त परिवारों को टूटना इस सदी की सबसे बड़ी उस घटना ने, मतलब इसको विषाद कहा जाता था। लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी चलन कब तक चलेगा। मान लीजिए कि मुझसे पहली नहीं, मेरे फादर मेरे दादा की जो पीढ़ी है मान लीजिए रही होगी, वो ठीक है उनका खेती से उनका पालन गुजारा हो गया, उनकी यदि चार बच्चे हैं उनमें वो जमीन बढ़ जाती है, फिर उनके हैं उनमें बढ़ जाती है, तो संयुक्त तो परिवार कैसे रह सकते हैं। आखिर आप आय के लिए और ये सब जीविका के लिए बाहर तो निकलना होगा, और जब बाहर निकलेंगे तो अपना परिवार भी ले जाएंगे क्योंकि उनकी भी जरूरतें हैं। तो इसका वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये संयुक्त परिवारों में ही ऐसा नहीं था, वहां भी अंतर कला था, वहां भी सब कुछ था। ये जरूर है कि संयुक्त परिवार टूटने के बाद भी आप एक दूसरे से इतना कनेक्शन बनाए रहो कि कभी सुख दुख में उनके साथ एक संवाद बना रहे, ये जरूर है। ये थोड़ा सा जो कम हो गया है, इतनी व्यस्तताएं, अभी एमएनसी वगैरह में लोग जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल, और ये जो फेसबुक और ये है इंटरनेट, आप समझ लीजिए बहुत सारा समय तो ये आज की पीढ़ी का ले ले रहा है। तो कहीं ना कहीं तो फिर पेरेंट्स पीछे छूट गए हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन कोई भी मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो बहुत दिनों तो नहीं चलेगी, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। और आज गांव भी देखें तो वहां भी हल नहीं, ट्रैक्टर है, इतना जो विकास आ रहा है तो गांव तक भी तो पहुंचना चाहिए। ये मैं जरूर मानती हूँ कि यदि गांवों को हम चाहते हैं कि वहां से पलायन ना हो तो गाँव में जो स्थितियां हैं उनमें सुधार करना होगा। जो भी विकास यहाँ तक पहुंच रहा है वो गाँव तक पहुंच रहा है क्या? यदि वहां पर शिक्षा का अच्छा स्तर है, मैं अपने ही गाँव की बताती हूँ, वहां ऐसा स्तर है कि जो 12th पास विद्यार्थी है वो सही मात्राएं नहीं लगा पा रहे हैं। एक जो इस समय कहा जा रहा है कि वो हिंदी साहित्य के पाठक बहुत कम हो रहे हैं, उसके भी हमको कारणों को ढूंढना होगा। जो बहुत 60% 70% जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल के शिक्षा स्तर से ही पास होके आ रहे हैं, तो जब वो मात्राएं नहीं लगा सकते तो वो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल रहे, तो वो लिटरेरी लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। तो
और जो शहर के बच्चे हैं वो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, यहाँ सबको एक ही बात मानस में बैठी हुई है कि यदि अंग्रेजी नहीं जानते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे। बहुत बड़ा कारण ये आ रहा है कि पाठक इसलिए कम हो गए हैं, पुस्तकें तो उनके तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, और यदि पहुंचेंगे भी तो यदि उन्हें रुचि नहीं है तो वो कैसे उस चीज को समझेंगे। तो गाँव में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये स्थितियाँ, एक असंतोष भी वहां पर है। अब मैं अनपढ़, वहां की जो बहू है उनके हाथ में भी है मोबाइल है सब कुछ है, लेकिन एक असंतोष है कि जो इतना वो उनको टीवी से मोबाइल से उनके तक सूचनाएं तो पहुंच रही हैं कि ये समाज और देश विश्व कहाँ पहुंच रहा है, तो उनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सके। अब इस समय मैं जब कभी गांव जाती हूँ देखती हूँ वहां पे युवा लोग नजर नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि वो सब पढ़ने बाहर चले गए। उन्हें भी मालूम है कि अब शिक्षा जब तक हम अच्छे शहर में भी शहर से सतना से ही बाहर नहीं करेंगे, और यदि बाहर वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तो फिर गांव तो लौटने का वही नहीं, उनके पास तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि गांव में अपना वो पूरा, तो वहां जब तक कृषि को आकर्षक नहीं बनाया जाएगा गांव का यही है। आज तो कस्बे का भी यही हाल है कि वो बिल्कुल अधकचरा जैसी स्थितियां हो रही हैं कि उनको ये सब मालूम तो है। जैसे मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं लिव इन रिलेशनशिप पर, लेकिन जो कस्बे का वो क्या माहौल रहेगा या महानगर का क्या रहेगा कि वो इस चीज को मतलब ईमानदारी से समझते हैं कि ठीक है हमें रहना है नहीं तो अलग हो जाना, लेकिन यहाँ तो उससे भी फिर मार बहुत ज्यादा पेश और ये शुरू हो जाते हैं, तो वो हर चीजें हर कहीं फिट नहीं बैठ रही हैं, पर लोग चाहते हैं कि नहीं वो हम सब आजमा लें, तो ये सब भी कहानियों में आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये सवाल है इस पर, मतलब ये मन में तो कई बार आता ही होगा, और जैसे मेरे मन आवाज में आ कम रहा है है तो आवाज थोड़ा मेरे कम है आपकी। हाँ पता नहीं वो कहीं, लेकिन और लोग तो बता रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जैसे आपने इतनी कहानियां लिखी है ना, 340 के करीब आप बता रही थी, 340 कहानियां लिखी हाँ हैं और निरंतर लिख रही हैं आप, और इसी बीच कई कई मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा कि कुछ लेखक या कुछ लेखिकाएं चार पांच कहानियां लिख करके भी बहुत चर्चित हो जाती हैं, वो मंचों की शोभा बढ़ाने लगती हैं, वो हर जगह सही बात बुलाई है। जाती हैं। तो आपको ये सारी चीजें सुन करके, जान करके कैसा महसूस होता है? आपकी जितनी आवाज मेरे मुझ तक आई मैं उस आधार पे बताती हूँ, ये सही बोल रहे हैं। एक तो ये जब सोशल मीडिया हो गया है, एक कहानी उनकी छपी तो वो उसमें डाल देते हैं ये हमारी पढ़िए, और इतना ये सब हो जाता है तो उनका तो वो प्रचार प्रसार उन्होंने खुद कर लिया। वैसे ये भी सही बात है कि साहित्यकार को आजकल अपना PR बनना भी होगा, नहीं तो हमारी चर्चा कौन करेगा। अब मुझे भी ये चीजें समझ में आ रही है, लेकिन चार पांच कहानियों से ही चर्चित हो नहीं रही, उन्हें किया जा रहा है, तो इसके यदि मान लीजिए कि प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव भी है। एक तो ये है कि आप एक आत्ममुग्धता ना आ जाए आप में, क्योंकि मुझे तो 350 बल्कि मैं 360 कहानियां लिख चुकी हूँ, लेकिन आज भी मुझे ये लगता है कि मैं प्रोबेशन पीरियड में हर कहानी जब शुरू करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि पता नहीं इस कहानी को कैसे शुरू करूंगी और क्या होगा। बिल्कुल वही जो पहले वाला जो मानस था ना, ये पहला ड्राफ्ट आज भी ऐसा लगता है बिल्कुल अनाड़ी दिमाग से निकला हुआ बिल्कुल अनगढ़ ड्राफ्ट होता है मेरा आज भी। फिर दूसरे तीसरे ड्राफ्ट में हाँ समझ में आता है कि कहानी को एक आकार ले रही है, तो आज भी है तो चार पांच के यदि उनमें आत्ममुग्धता आ गई तो वो चीज भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा चर्चा करने वालों को भी चाहिए कि वो सराहना तो उनकी जरूर करें, लेकिन उनको एकदम से कालजयी ना बना दें, और यदि आपने कालजयी बना दिया है तो उस रचनाकार की जिम्मेदारी आपने बहुत बढ़ा दी है उनकी। अब उनका कॉम्पिटिशन उनसे खुद ही हो गया, यदि आप दूसरी कहानी उतना अच्छा नहीं लिख पाए तो आपकी स्क्रूटनी होगी कि आप उससे बेहतर दीजिए उससे बेहतर दीजिए, और आप बड़े से बड़े रचनाकार को ले लीजिए, किसी भी रचनाकार का सारा ही सृजन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ है, हर रचनाकार की कहानियां श्रेष्ठ होंगी, औसत होंगी, निम्न औसत होंगी, ये मेरे साथ है ये सबके साथ है। बस ये जरूर है कि अब कहानियां कैसे कि थोड़ा सा ये समझ में आने लगा है, तो मैं लिखते लिखते भी कई बार समझ जाती हूँ कि ये कहानी अब औसत से ज्यादा नहीं बन सकती है, अब उसका कथ्य कमजोर था या उसकी भाषा वैसी नहीं बन पाई थी, लेकिन यह मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी बहुत अच्छी है, तो ये सब रचनाकारों के साथ होता है। तो एक इतना तो स्पेस दीजिए कि वो रचनाकार और आगे अपने को सोच सके कि मुझे अभी
अब बहुत आगे मतलब साहित्य की यात्रा का तो कोई अंत ही नहीं जब तक आपका जीवन है, ये है तो एकदम से। तो फिर जैसा वो तो कहा जाता है ना, किसी को ओवरनाइट ये फेम मिल रहा है तो कहीं वो गड़बड़ा न जाए, मुझे ये चिंता लगती है। बताइए कि इसका मतलब ये है कि कहानियां भी आजकल प्रोडक्ट हो गई हैं और उनकी मार्केटिंग लोग करने लगे हैं। और ये मार्केटिंग में तो आज एक प्रोडक्ट चलता है, कल दूसरा प्रोडक्ट चलेगा, फिर कल तीसरा प्रोडक्ट चलेगा। एक लेखक है तो वो आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा। एक लेखिका है, आज बहुत चर्चित है, कल नहीं चलेगी। तो ये तो स्थायित्व तो नहीं आ पाएगा इससे साहित्य में ना। नहीं ऐसा नहीं है, रचना कोई भी जैसे नए रचनाकार हो, उसे मुझे पता है कि उसने कितना मेहनत का काम है, कितना दबाव का काम है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर। कई बार तो समझ लीजिए कि यदि नींद टूट रही है और ये प्रेशर आता है कि कहाँ कहानी खत्म की थी, कहाँ शुरू करना है, तो कहानी में तो उन्होंने निश्चित रूप से मेहनत की है। लेकिन और भी साहित्य ऐसा नहीं है, जैसे कि ये प्लेयर हैं या कि मान लीजिए फिल्म स्टार हैं, इनको जैसा ओवरनाइट फेम मिल जाता है आप ऐसा मत सोचो। साहित्य एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है, उसको उस गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे साथ बहुत अच्छा है ना कि हम यदि स्वस्थ हैं तो हम चाहे जितनी लंबी पारी खेल सकते हैं, जैसे जैसे आपकी आयु और अनुभव बढ़ेगी आप अपना अच्छा उससे करते जाओगे, बेहतर ही करते जाओगे, क्योंकि आपको इतना अनुभव मिल चुका होगा। इसलिए मैं हमेशा कामना करती हूँ कि रचनाकारों को अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल एक एसेट की तरह वो ध्यान दें, उनकी स्मृति अच्छी रहे, उनका हेल्थ अच्छा रहे, ताकि वो रचना करना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सबका जीवन देखा जाए तो हर किसी का जीवन में एक उपन्यास की गुंजाइश है। लेकिन वो सब तो रचनाकार नहीं बन जाते, रचनाकारों को भगवान ने कुछ उन्हें अलग बनाया है। तो एक साहित्य एक समाज के प्रति उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो आम आदमी है उनकी अपेक्षा जो साहित्यकार की जिम्मेदारी है समाज के लिए भी ज्यादा है, वो व्यक्ति के लिए भी ज्यादा है, वो सबके लिए ज्यादा है। तो ऐसा कुछ रचे। आजकल एक ये भी कहा जा रहा, बहुत से पाठक कहते हैं कि आजकल की कहानियों में मतलब स्थितियां तो हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो स्थितियां हैं ना वही समाधान है, क्योंकि तो वो जो स्थितियां हैं तो हम घर बैठे जान रहे हैं कि कितनी भयावह स्थितियां इस समाज में हो रही हैं, जो एक वैचारिक प्रदूषण है। मुझे तो ये जो वायुमंडल वाला प्रदूषण, उससे तो मुझे खतरनाक वैचारिक प्रदूषण लगता है, क्योंकि उसी से तो इतना हिंसक समाज की रचना हो रही है। वो जो स्थितियां हैं वही आपको समाधान बता रही है, वही आपको लेसन दे रही है कि समाज में ऐसा भी हो रहा है और आप सतर्क हो जाओ। तो साहित्य ने हमेशा ही दिया ही है, और आप किताबें पढ़ें साहित्य से, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि अपना ऐसा व्यक्तिगत संसार बन जाता है कि फिर उस संसार में जब तक जो घंटे हैं मेरे पास, जो मेरे लिखने के यहाँ पढ़ने के, तो मुझे लगता है मैं तो ट्रांस में, वो क्वारंटीन शब्द इसके लिए सही। तो लेखन में ये है, लेकिन ये मान के ना चलेंगे जैसे बिल्कुल एक मैच खेला कि फिर उसको तो सारे अवार्ड भी मिल गए और ये सब हो गया, ये साहित्य में नहीं होता। लेकिन साहित्य में मौके बहुत हैं, बहुत लंबा आप जा सकते हो। लेकिन ऐसा हो तो रहा है ना। हो रहा है तो फिर उस वही तो उसके धनात्मक बिंदु भी हैं और ऋणात्मक बिंदु भी हैं। हो सकता है कि उन वो एकदम से चर्चा में आ गए हैं तो ध्यान तो खींचेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन वही जो मैं बोल रही हूँ कि आगे यदि उनका वो स्तर ना रह पाया तो उनकी तो स्क्रूटनी हो जाएगी ना, वो तो खुद ही अपने कॉम्पिटिटर बन गए। तो बहुत सोच समझ कर जो है उनको कौन इतना चर्चित कर रहा है, जो बड़े बड़े आलोचक है वो तो बिल्कुल अपना सामान्य रूप से आलोचना कर रहे हैं, समीक्षाएं लिख रहे हैं, जो सही है अच्छी पुस्तकें हैं उन्हीं पर लिख रहे हैं। तो अचानक ऐसा कौन सा ग्रुप तैयार हो जाता है, तो उसको भी सब थोड़ा सा सोचना होगा एक अपने विवेक से काम लेके, कि हमें अपने यदि साहित्य में हम आए हैं तो पूरी गंभीरता से अपने इस काम को करना है। बाकी ठीक है, चर्चा भी होती है, सराहना भी होती है, कभी नहीं भी होती आजकल है, ठीक है। तो आजकल पाठक तो समझ में पुस्तक मेरा खाता जैसे ही वो बता देते हैं। आजकल पुस्तक मेले का कल्चर हो गया है। पुस्तक मेला जब होता है ना दिल्ली में, बिल्कुल कलकत्ता में, लखनऊ में, देहरादून में और कहाँ कहाँ पुस्तक मेलाएं जो हो रही हैं, तो ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तो आदमी रातों रात सुपरस्टार बन जा रहा है, लेखक खास करके। आप हाँ, जाती हैं कभी पुस्तक मेले पुस्तक मेले में? में 2019 में ये वाली बुक आई है ना, नजर बुरी ना मुंह काला, ये मैंने इसको स्लोगन को चेंज किया। आपने ट्रक में और इस सब में पीछे देखा होगा, बुरी नजरों हाँ वाले हाँ तेरा हाँ बोका। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी बुरा नहीं होता है, आप बस एक पॉजिटिविटी आपके भीतर हो तो कुछ भी बुरा नहीं होता। तो मैंने उस स्लोगन को चेंज किया, ये पुस्तक मेले में आई थी 2019 में, लेकिन
एक तो बस वही है कि यहाँ की अपनी सब देखना है, नहीं पहुंच पाई वहां पर। तो पुस्तक मेले में विमोचन भी बहुत होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मिलना जुलना होता है। और मैं मानती हूँ कि रचनाकारों को कम से कम इतना तो परिचय होना ही चाहिए कि कभी वो कहीं मिले तो पहचान रहे। लेकिन मेरी स्थितियां ही बस जो भी रही, कभी ये अवार्ड फंक्शन में मैं जरूर गई, या कभी ऐसा हुआ है ये कथा पाठ के लिए भी, जैसे भारत भवन है मध्य प्रदेश का, और ये सभी बुलाया गया तो जाती नहीं। लेकिन पुस्तक मेले के भी अपने, ये तो है तो एक बहुत बड़ा अवसर वो, पर वहां भी बस मुझे वही कहना है कि जब आप अच्छा जो रचेगा वो बचेगा, तो उस तरफ जरूर ध्यान देना होगा। बाकी तो पुस्तक मेला तो लगाया ही इसलिए जा रहा है कि लोग साहित्य से जुड़े, पुस्तकों से जुड़े, तो वो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए बढ़िया है। एक बात और जरा आपसे जानना चाहते हैं, फिर आपके कहानी पर बातचीत करेंगे कि हाँ आप लंबे समय से लिख रही हैं, संपादक संपादक प्रकाशक पहले के हाँ जमाने के और आज के जमाने के संपादक प्रकाशक, उनके व्यवहार में, उनके काम करने के तरीके में आप क्या महसूस करती है? अब आजकल तो सब वही हो गया है, सब इंटरनेट का जमाना है, तो मेल से कहानियां जा रही हैं। पहले ये होता था, बहुत समय ऐसा हुआ कि हार्ड कॉपी ही गई, और बहुत से संपादकों ने मेरी भी कहानियों में कुछ ऐसे संशोधन उन्होंने बताए जो मैंने किए, वो बहुत मुझे मतलब उन कहानियों में वास्तव में करे जाने चाहिए थे वो संशोधन। कई बार जो बताया ना कि अपनी रचना इतनी अच्छी लगती है कि लगता है कि बस यही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब फिर कुछ ऐसा होता है, कई बार तो रचना छप गई और पाठक आजकल के इतने ज्यादा मतलब क्या कहें, विद्वान हो गए हैं कि वो कई बार बताते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था। जैसे कि मेरा ये जो उपन्यास है छोटी सी आशा, मैं इसका थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बताऊंगी। तो जब इन्होंने डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी ने इसका असमिया में अनुवाद किया, उन्होंने अपनी ओर से कहीं लाइब्रेरी में उन्हें ये उपन्यास मिल गया था, तो उनका फिर कॉल आया कि मैं करना चाहती, तो उन्होंने बोला कि अंत में आपने उस नीरजा को की डेथ क्यों दिखाई, क्या आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे भी लगा कि बात तो ये सही है, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, मैं बिल्कुल वही सदियों पुराना अभी भी दिखा रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, और एक कहानी जो विजेता, वो आज भी मतलब यदि मुझसे कोई रचनाकार कहीं बात करते हैं तो विजेता की बात जरूर करते हैं, तो वो भी मेरी हंस में छपी थी, लंबी कहानी थी। राजेंद्र यादव जी को मैं आज भी याद करते हैं कि उन्होंने यदि वो अंत को थोड़ा सा परिवर्तित ना किया होता तो वो कहानी हो सकता है कि उतनी सफल ना होती। उन्होंने लिखा मैंने कुछ ऐसा ही कैसे उसको वास्तविकता का पता चले, तो वो मतलब जब डॉक्टर के पास गई है तो बस वो बात हो रही है, वो कार से वहां पहुंची, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड डाला था, बोले नहीं ये बड़ा फिल्मी अंत हो रहा है, ये फिल्मों में चल सकता है लेकिन साहित्य तो फिल्मों से ही बहुत आगे की चीज है। तो फिर मैंने थोड़ा सा किया कि डॉक्टर उनके घर आए हैं और बातचीत चल रही है फोन में किसी और से, तो पैरेलल इसको फोन में, उस समय लैंडलाइन नहीं था, ये सब मोबाइल वगैरह था, ही बात किया है, तो वो जो अंत था वो वास्तव में मतलब एक बड़ा इम्पैक्ट आया उसका, तो मुझे ऐसा लगा कि पर वो अब है, बस मेल से आप भेज दीजिए, यदि पसंद है तो ठीक है छपेगी, नहीं तो फिर वो मेल से ही बता देते हैं कि इस समय, पर ऐसा तो खैर अब बहुत कम हो रहा है कि मतलब कहानी ना ली जाए, ले ली जाती है। तो पहले के संपादकों में ये जरूर था कि वो ध्यान से पढ़ते थे और वो कई बार सुझाव भी देते थे, ये सही बात है। तो आजकल नाम देख के लोग कहानी रख लेते हैं, माने स्थापित अगर लेखक है, लेखिका है, तो उसकी कहानी रख लेंगे, उसमें वो मेहनत नहीं करते कि ये गलती है, ये कमी है, आप इसको सुधारिए, इतनी जहमत नहीं उठाते लोग आजकल के संपादक। वो टेक्नोलॉजी का फायदा तो उनको भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ये तो हो गया है, जैसे मेल में क्या है कि अब कहानियां सब टाइप होती हैं, पहले तो मैनुअल टाइपिंग होती थी, मैं खुद ही टाइप कर लेती थी कहानियां, लेकिन अब इसमें मेल में ये जरूर अच्छा हो गया है कंप्यूटर टाइप में कि यदि मान लीजिए कहीं एग्जाम मेल नहीं पसंद किया गया तो ठीक है दूसरा, और उसमें मैनुअल टाइपिंग में तो था कि बस वो फर्स्ट कॉपी ही लेंगे, उसकी फोटो कॉपी ऐसे या कार्बन कॉपी नहीं लेंगे, तो वो भी एक बड़ा लेंदी काम हो गया था। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा ये भी रहता है कि जल्दी जानकारी ही मिल जाती है कि वो कहानी लेंगे कि नहीं लेंगे, इस टेक्नोलॉजी का तो ये जरूर है, तो इसलिए मुझे पहले प्रूफ खुद देखती हूँ, इसके बाद भी प्रूफ वापस, मेरा ये सब काम चैम्बर से ही होता है, इस मामले में मेरे पतिदेव काफी मदद करते हैं, उनका जो स्टाफ है वही वहीं से टाइपिंग हो जाती है मेरी, वही मेल होता है, तो फिर इसके बाद में जब प्रूफ चेक कर लेती हूँ तब फिर प्रिंट फिर देखती हूँ एक बार, तब फिर कहा जाता है कि कहीं मेल करें, कहीं ऐसा ना हो जो भी थोड़ा बहुत गलतियां, तो कई बार वैसे ही छप जाती है। लेकिन मेल का फायदा तो ये जो टेक्नोलॉजी है तो इसका तो लाभ तो उठाया ही जाएगा। और अब एक बात ये बताइए कि आगे आपकी क्या योजना है?
उपन्यास कुछ और आने वाले हैं आपके? पहले वो पहले कहानी थी वो चाइल्ड अब्यूजमेंट पर है, 100 पेज उसके लिखे हुए हैं। अब वो समझ लीजिए मैं 4 साल से सबको यही बता रही हूँ कि 100 पेज लिखे हुए हैं, और कहानी है, उसको विकसित करने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन कहानी लिखने में मतलब मैं जितना अपने को सहज पाती हूँ, यात्रा वृतांत भी मैंने लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, अभी इधर कुछ समीक्षाएं भी की हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो आलोचना के क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम हैं। अब रोहिणी अग्रवाल जी का नाम ले लीजिए, वो तो खैर अब मतलब हस्ताक्षर हैं, वो तो सिर्फ समीक्षा ही नहीं, उनके जो आलोचनात्मक आलेख है उतना तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन कभी कुछ किताबें आ जाती है तो उनकी समीक्षा मैं कर देती हूँ। पर मुझे कहानी लिखना जितना सहज लगता है, कई लोगों का कहना है कि उपन्यास में एक कथानक को लेके बड़ी आसानी उसी को विकसित करते जाओ, लेकिन अब जो भी कमी हो मुझ में कि मैं नरेशन उतना नहीं दे पाती कि क्या करती हूँ, मुझे कथानक मिल जाते हैं हर बार नए, कथानक सब हमारे आसपास ही तो है, हमारे आसपास के ही तो पात्र है, और नहीं भी है तो जो किताबों किससे पूरी दुनिया खुल रही है मेरे सामने, टीवी या अखबार में इतनी इतनी घटनाएं रोज है कि कहीं रोज कथानक चारों तरफ मैं तो कहती हूँ कहानियों को मिलेंगे, तो मुझे कहानी लिखने में जो संतोष मिलता है, कई बार मैं कोशिश भी करती हूँ पर मुझे ये लग रहा है कि नहीं ये मेरा काम नहीं, कहानी लिखने बैठ जाऊं तो बस मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, तो कहानी से ही नहीं निकल पाती। मैंने जब ये जो छोटी सी आशा जो नॉवेल लिखा था ये 360 पेज का है, ये समझ लीजिए 2002 में ये प्रकाशित हो गया था, तो जब मैं ये उपन्यास लिख रही थी, लेकिन मैंने कहानी लिखना बीच में कभी भी बंद नहीं किया, मैं सिर्फ उपन्यास के लिए सवेरे 5 बजे उठती थी, शाम को 7 ये दोपहर सवेरे 7 बजे तक मतलब 2 घंटा, फिर तब परिवार के लोग जाग गए तो फिर वही सब काम शुरू हो जाता था, लेकिन जो दोपहर का मेरा डे टाइम रहता है लिखने का उसमें फिर मैं कहानी शुरू कर लेती थी। कहानी के बिना पता नहीं कैसे बेचैनी सी होती कि लग रहा जैसे कि कुछ काम नहीं किया है। ये जो मेरा उपन्यास है इसके बारे में थोड़ा बता दूं, छोटी हाँ हाँ बताइए बताइए। यात्रा के बारे में बताऊं? हाँ। हाँ, तो ये जो बिहार बिहार की पृष्ठभूमि में है, बिहार में ये दूल्हा अपहरण की जो घटनाएं होती हैं, पहले एक कोई थी एक पॉलिटिकल मैगजीन में ही मैंने मतलब पूरा उसमें बिहार का ही था, मैंने जब पढ़ा कि वहां तो 100-108 सभा लगती है, वो लोअर सेगमेंट के लिए है कि दूल्हे बिकने आते हैं, फिर जो लड़की वाले हैं उनको अपनी पसंद से खरीद ले जाते हैं, लेकिन जो ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले हैं वो क्या करते हैं, यदि कोई अच्छा लड़का है या उनकी हैसियत का नहीं है, दहेज मांग रहा है, तो वो उसका अपहरण कर लेते हैं और फिर अपनी बेटी से शादी करा देते हैं, तो इसको जबरिया विवाह कहा जाता है वहाँ। अब तो उसमें कई कहानियां भी आई हैं और ये जबरिया जोड़ी इसमें मूवी बन गई, लेकिन ये मेरा उपन्यास बहुत पहले का है, तो मैंने पहले इसमें एक कहानी लिखी थी परिणय, उसमें ये हुआ कि वो दो जो लड़के थे और क्लासमेट थे, तो इन्होंने एक ब्राह्मण लड़का था उसको टारगेट किया था, वहां पर एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप रहता था पकड़ने का, उसके साथ में एक जो निम्न वर्ग का लड़का था वो धोखे से उसको पकड़ ले जाते हैं और शादी भी करा देते हैं। अब जब इन लड़की वालों को पता चलता है कि हमने तो ब्राह्मण के पैर नहीं पूजे ही, हमने किसके पैर पूज लिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं इसका तो बिल्कुल अब सब कुछ खत्म कर दिया जाए, लेकिन लड़की बड़ी स्वाभिमानी थी, वो कहती है कि नहीं अब जिससे शादी हो गई है तो हो गई है, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार हैं, तो मतलब उसमें ये सही घटना उसमें थी, तो वो लड़की रातों रात अपने पति के साथ मतलब घर से चली जाती है, और फिर तो ये था, लेकिन मुझे वो कहानी लिखने में संतोष नहीं हुआ, मुझे लगा इतनी बड़ी समस्या है ये है, तो वहां तो लड़कों का बड़ा मुश्किल काम होगा, तो फिर मैंने उसमें पूरा एक उपन्यास लिखा, एक उपन्यास में बस यही कि पकड़ लिया गया, पर वो इसमें भी लड़की जो थी वो सब थी, जब वो समझ जाते हैं कि ये मेडिकल का लास्ट ईयर है और ये तो अपने मेडिकल जो भी इसकी क्लासमेट उससे इसका पूरा सब है कि उससे शादी करना चाहता है, तो फिर ये बड़ी योजना बना के अपने वहां से निकालती है कि मेरे घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप निकल जाओ नहीं तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो, तो इसको आधार बना के मैंने पूरा, लेकिन जब वो चला जाता है वहां शादी हो गई दूसरे से, तो फिर उसको लगता है कि वो एक लड़की की फिर उसको भल मनसाहत याद आती है, तो वो सोचता है कुछ नहीं कर सकता हूँ तो इसको कहीं शहर बुला के जॉब तो दे ही सकता हूँ, तब तक बड़ा स्टेब्लिश हो गया उनका नर्सिंग होम है, तो उसी में वो उसको जॉब लेके अपनी पत्नी से वो ऐसा कुछ बता देता है कि मेरे बहुत दूर के रिश्ते की मौसी उनकी बेटी है, तो इनको चाहिए भी कि इनके बच्चों की केयर मैं टेक, क्योंकि दोनों हस्बैंड एक डॉक्टर है, उस तरीके से उस घर में आई, फिर उसके साथ क्या क्या बीता, तो इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा है, उस पर ये उपन्यास लिखा गया है, लेकिन पढ़ के आज ही मुझे दहशत होती है कि जिसके ऊपर ऐसा बीत जाता होगा, अच्छा हुआ कि चलन बाकी राज्य में अभी तक नहीं सुनाई दिया है मुझे, नहीं तो कई बार ये भी होता है कि एक प्रांत का चलन वहां और वहां कहाँ कहाँ क्या हो जाता है, तो समाज में बहुत विडंबनाएं हैं और बहुत ज्यादा दर्द है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आजकल जो एक स्त्री विमर्श की बात आप नहीं किए हैं अभी, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श में जो साहित्य को थोड़ा सा जो विभाजन जैसा किया गया है ना,
तो मुझे ये लगता है कि साहित्य साहित्य ही है, विमर्श इसको ना बोलिए, ये कहिए कि स्त्रियां अपना पक्ष लिख रही हैं, वो ज्यादा सही होगा। तो ठीक है, जो उन्होंने जो अनुभव किया है, तो मतलब कालांतर से आप देखिए तो बिल्कुल पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से कितना ज्यादा स्त्रियों ने सहा है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ, अपनी मदर का बताती हूँ, कि वो मैंने कहीं संस्मरण भी लिखा है उनके ऊपर, कि हम चार बहनें पहले, इसके बाद फिर हमारा भाई। तो वो इतना डरी हुई रहती थी उस भाई को, कि मतलब बिल्कुल इसकी ऐसी निगरानी करो कि इसको कुछ होने ना पाए। और ये नहीं, हम लोग कहीं पूछा भी ऐसा क्यों, तो मतलब ये नहीं कि वो उसको कुछ हो जाएगा, वो मतलब अपनी सास से डरती थी कि दादी बोलेंगे कि इतने मुश्किल से एक वंशधर पैदा हुआ और तुम संभाल नहीं सकी। तो मतलब वो एक सिर्फ माध्यम थी कि अब ये पांडे परिवार का वो वंशधर उद्भव करने के लिए। इस स्थितियों से अब देखिए कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं स्त्रियां। मेरे घर में पहले मेड काम करती थी। मुझे यही है कि जहां से भी हो तो कथानक हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक जो सर्जक की नजर रहती है, उसकी नजर इसी में रहती है कि मैं कहाँ से कथानक मिल जाए। तो मेड काम करती थी, वो विडो, उसके बड़े बड़े बच्चे थे। फिर कहीं एक हुआ उसका, उस पर ही मैंने कहानी लिखी थी कि तुम खुश रहो हमारा ओके है, ये टाइटल जो मुझे था किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ मिला था। तो वो कहाँ से, वो सेठ जी के यहाँ काम करती थी, और कैसे उनसे इन्वॉल्व हुई, और वो समझ लीजिए उस उम्र में जाके 50 की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब घर में तहलका मचा है, अब लड़के मतलब उसको बोलते भी है कि ये अच्छा मौका है कि थाने में रिपोर्ट कराए और सेठ से मतलब पैसे वसूले जाए। तो उसकी ईमानदारी देखिए, वो बोलती है कि नहीं, कुछ जबरदस्ती हुई ही नहीं, तो मैं किस बात के पैसे। जबकि आजकल ये कितना चल रहा है कि कभी घर की नौकरानी, कभी कोई किसी पर ही ब्लेम लगे कि 6 महीने से बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा था। ऐसा होता है क्या 6 महीने से? आप क्या उस बीच में घर से कहीं निकल के नहीं गए? तो जो समाज है, इसमें स्थिति, स्त्रियों को एक ऐसी दृष्टि मिलनी चाहिए कि आप कम से कम अपना तो विवेक से अपना तो सोचो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये है, तो एक वो भी स्त्री है। तो देखिए आज कहाँ से बिल्कुल अशिक्षित है, सब कुछ है, लेकिन उसका एक विमर्श देखिए कि बोल रही कि नहीं, इससे उन्होंने वैसे मुझे इतना अच्छा खाना पीना कपड़ा कम मिला था, तो मैं उनके रिपोर्ट तो लिखा ही नहीं सकती। तो ये एक समाज का जो एक बदलाव है कि कहाँ से स्थितियां थी, कहाँ से स्त्रियां चली, और आज अशिक्षित स्त्री मतलब इस तरीके का कई स्टैंड ले रही है। तो लेकिन ये जरूर है कि हम लोग लिख तो सबके बारे में रहे, लेकिन क्या उन जिनके बारे में हमने लिख के, या मैंने ही मान लीजिए वाह वाही लूट ली कि बड़ी अच्छी कहानी लिखी, तो क्या वो बात उस अंतिम स्त्री तक पहुंची कि हमारे बारे में ये लिखा गया है, अब हमको यहाँ से एक सही राह मिलेगी? तो जब तक साहित्य समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तो समाज को भी अब क्या, जैसे कहा जाता है कि ये साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वो दर्पण तब तो बनेगा जब हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, तो वहां तक चीजें। तो इसके लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम कहीं भी हैं, अपने सराउंडिंग्स में कोई ऐसा है उसको बताएं कि आजकल कितनी सुविधा है, किसको क्या मिल रही है और क्या है, और अब उनको कैसे आगे रास्ते निकलेंगे। फिर मैंने किसी को बताया, वो आगे बताया, ऐसे करके जब सुधार एक तरीके से ऐसे भी होगा कि कितनी योजनाएं सरकार की हैं। यहाँ पर जो मेरी मेट को, जो दूसरी है, उसको ये नहीं मालूम था कि मतलब प्रसव में यहाँ तो 1600 रुपये मिल रहे हैं, या कि सम्मेलन में शादी हो रही है। तो ये सब बताने से ही एक उनमें मतलब ये माउथ टू माउथ एक प्रोपोगेशन किया जाए, तो समाज में इस तरीके का भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि साहित्यकार को थोड़ा सा तो एक्टिविस्ट भी होना जरूरी है। स्थितियां यदि बदलनी है, क्योंकि जिसने पढ़ा वो तो लाभान्वित हो गया, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, ये बताइए ये कि है। तो एज एक लेखिका के तौर पर आप क्या सोचती हैं कि कैसे रचनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिनके बारे में आपने लिखा है? क्या मीडिया हो सकता है इसका, लाइक क्या माध्यम हो सकता है, कैसे पहुंचाया जा सकता है? साहित्य को वही है कि कैसे वो पाठकों तक पहुंचे, तो उसके लिए एक तो हमें शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से पाठक बढ़ेंगे। थोड़ा सा पुस्तकों का वितरण कैसा हो, पहुंचे सब जहां, लाइब्रेरियां हो, और पुस्तक का थोड़ा सा मूल्य भी ऐसा रखा जाए कि लोग हों, और नहीं तो जिनके पास ये सब ज्ञान है वो दूसरों को बताएं, तो वो कहें। इस तरीके से भी एक वो हो सकता है, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे लगता है, मैंने जो कहानियां लिखी हैं, क्योंकि मैं जो आज भी सोचती हूँ कि परिवार और समाज है, इसके बिना समझ लीजिए काम नहीं चल सकता है, चाहे आप कहीं भी पूरा विश्व घूम लें। तो मैं हमेशा एक सकारात्मक भाव मतलब पाठकों को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो पारिवारिक सामाजिक संरचना है वो मजबूत रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ तो जो पारिवारिक इकाई है इसकी तो पूरे विदेश में सराहना होती है ना, तो क्या हम उसको कमजोर कर लेंगे? मनुष्य का मनुष्य पे भरोसा बढ़ना चाहिए, ऐसी रचनाएं रहें। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा मतलब उसमें फिक्शन नहीं, वैसे तो कहानी क्या है, फैक्ट और फिक्शन है,
वो है, लेकिन कल्पना भी तो आपकी वास्तविकता से ही जनरेट होगी। यदि वास्तविकता आपने नहीं देखी है तो वहां तक आपकी कल्पना की उड़ान भी नहीं होगी। उस तरीके से मैं सोचती हूँ, तो मैं भाषा और शिल्प पर उतना ध्यान दे पाई कि नहीं दे पाई, पर मैंने ये जरूर ध्यान रखा कि पाठकों को वो एक ऐसा संदेश जरूर जाए कि उनके आजकल इतने बेचैनी है तो उनके जहन को एक आराम जरूर मिले कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि कोई हमारा कोई दर्द समझने वाला है, या कि अब किसी ने हमें ऐसी राह दिखाई है कि नहीं ये है लेकिन इस समय निकल जाएगा। कोरोना काल को ही आप देख लीजिए, मुझे तो ये लगता है कि हमें बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। कहाँ जा रहा है समाज, इतना मतलब लोग कितना पैसे के पीछे और क्या है, परिवार छोड़ के और कहाँ कहाँ। तो अब आप देख लीजिए, आप लॉकडाउन में है तो आप क्या करोगे पैसे का, ऐसी भी तो स्थितियां आती हैं। तो जो संतोष है कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमना चाहिए चीजें, मतलब हर चीज में मिलावट इतनी उपज पैदा कर ली, इतनी उपज की वो जरूरत से ज्यादा हो गई और आप लोगों को रसायन दिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक जो कंट्रोल है वो कोरोना ने मुझे लगता है मानसिकता ऐसी दी है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए सोचने लगे हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी है, उसके बाद से एक आपकी किसी एक प्यारी सी कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे जो आप बताएंगी मुझे। अभी आपने कहा कि परिवार को सशक्त रहना चाहिए, परिवार जो जो यूनिट है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज पारिवारिक यूनिट जो है वो बिखर रही है, और लोग परिवार की जिम्मेदारियों से मतलब को संभालने में अपने को मतलब उतना सफल नहीं मान पा रहे हैं। तो पारिवारिक यूनिट तो बिखर रही है। अब देखिए ना, बहुत सारे अभी मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मिलता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि लड़कियां जो हैं वो बहुत अब जल्दी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती हैं कि पहले हम कैरियर बनाएंगे, पहले अपना अपने को स्थापित करेंगे, फिर शादी के बारे में सोचेंगे, और शादी के बारे में सोचेंगे भी कि नहीं सोचेंगे ये हम बाद में बताएंगे। तो इसका इसका असर तो समाज पर धीरे धीरे पड़ेगा, अभी तो समाज भी तो धीरे धीरे बदलने लगेगा। सही है, बहुत अजीब अजीब सी कंसेप्ट कहना चाहिए कि अब समाज में आ रहे हैं, लेकिन वो होगा क्योंकि शिक्षा इतना जब ले रही लड़कियां तो उसका तो वो उपयोग करना चाहेंगी और करना भी चाहिए। पर वही है कि जो हर हर इसका स्थिति का जो पक्ष विपक्ष होता है, आप यदि कैरियर बना रहे हैं तो फिर आप इधर एक जो शादी है ये भी एक जरूरी ही संस्कार माना गया है तो उसमें आप लेट हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक संतुलन जो कहना चाहिए ना कि परिवार में जो एक जितनी भी पीढ़ियां हैं उनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि हर पीढ़ी के साथ ये एक विचारधारा बदल जाती है, बल्कि कहना चाहिए कि हर 10 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है। 10 साल का बच्चा अगले 10 साल में वो युवा हो जाएगा, तो पीढ़ी बदलने 20 साल नहीं लगते, 10 साल लगते हैं। और विचारधारा हर पीढ़ी की अलग है, तो जो सबसे ज्यादा टकराहट है विचारधारा की है। लड़कियां यदि ऐसा सोचती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं से परिवार से एक ऐसा सहयोग मिले कि वो कैरियर भी चला पाए और अपना परिवार भी चला पाए, तो मुझे लगता है कि वो फिर अपनी धारणाएं बदलेंगी, क्योंकि वो डरी हुई हैं कि ऐसा ना हो कि परिवार है इसके बाद फिर आगे बच्चे हैं तो कहीं कैरियर बाधित। और आजकल कैरियर ओरिएंटेड तो हो गई हैं और होना ही पड़ेगा, जिस तरीके से अब महंगाई और ये सब है तो कई बार ऐसा कह रहे नहीं, हैं कि ये एक इसके सिंगल इसके सैलरी पीछे पे। शायद उनकी विकसित चेतना भी काम कर रही है। लड़की ने पढ़ाई कर ली, लड़की ने ज्यादा पढ़ाई कर ली, अब अगर कोई मान लीजिए उसको जीवन साथी ऐसा मिल जाता है जो सोचता है कि नहीं घर में ही रहो और तुम खाना बनाओ और चाय बना के दो मुझे, और मैं बाहर से आऊँ तो तुम मेरा इस्तकबाल करो बड़े कायदे से, तो वो लड़कियां तो अब धीरे धीरे काफी विकसित हो गई हैं, मतलब उनकी चेतना विकसित हो गई है, वो स्वतंत्र हो गई हैं, तो वो स्वाभाविक भी है। लड़के भी उसी तरह से सोचने लगे हैं कि भाई यार कौन जिम्मेदारी, इसीलिए जो जो ये जो आजकल जो चल रहा है ना, कि आपने भी सुना होगा कि सिंगल लेडी है, उसने बच्चे अडॉप्ट कर लिए, बच्चे अडॉप्ट करके उसने अपना एक परिवार बना लिया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वहाँ भी परिवार का चूंकि बंधन नहीं रहता है, लेकिन अल्टी वो तो खैर वो एक अलग सब समस्या है। तो समाज जो है अब बदल रहा है। मेरा सवाल ये है कि इस बदलते समाज पर आपने कोई कहानी लिखी है? जैसे जैसे समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो हमको अपनी विचारधारा भी थोड़ी तो बदलनी पड़ेगी।
कोई भी आज की लड़की यदि जॉब कर रही है तो वही 24 घंटे उसके पास हैं जो कि आज से मेरी पहली पीढ़ी के पास 24 घंटे थे, तो वो कुछ नहीं कर रही थी तो उसमें उन्होंने अपना समय बिताया। और आज की तो सिर्फ कैरियर नहीं, उन्हें बच्चे भी पढ़ाने हैं, वो घर आके बच्चे ही पढ़ाती सब कुछ है, तो उन्हें थोड़ा ना थोड़ा तो प्रिविलेज देना पड़ेगा ना। अभी यदि वो कमा रही है और इसमें यदि खाना नहीं बनाना चाहती, कुछ असिस्टेंट उन्होंने इसके लिए लगा रखा है, तो इसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती। बस मुझे ये लगता है कि आपकी बॉन्डिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहो। और इसके लिए यदि पहली पीढ़ी कुछ ऐसी है कि पेरेंट्स खाली हैं कुछ है, तो मतलब मदद करें इस पीढ़ी के, क्योंकि जॉब भी जरूरी है और कैरियर नहीं, तो फिर यदि वो इसमें ऐसे डिटरमिंड है कि हम पहले कैरियर बनाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, क्या परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि कुछ लोग 45 साल तक तो उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, और इसके बाद यदि मान लीजिए नहीं होते तो अडॉप्ट कर लेंगे। तो आप ये बताइए कि जो हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है आजकल, वो उतना कहाँ ध्यान दे रहे हैं, तो वो जो तो दूसरे प्रकार की सब ग्रंथियां उत्पन्न नहीं होंगी समाज में। समाज में परिवार तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए हर पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक सहयोग देना होगा। विचारधाराएं ठीक है आपकी अपनी है, लेकिन जहां पर जिसको सहयोग की जरूरत है, तो यदि ऐसा हो पाता है तो मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार तो खैर ठीक है वो हुए, लेकिन अभी भी ऐसे हैं कि आप एक दूसरे की जब जरूरत बन जाओ तो चीजें आसानी से चल सकती हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं, बल्कि लड़कों में मैं देख रही हूँ कि उनकी मानसिकता में इतना बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि एकाध ऐसी ही मैंने घटनाएं देखी कि ये जैसे मान लीजिए कि बच्चा हुआ है, तो यदि हस्बैंड का सैलरी पैकेज कम है तो फिर बच्चे की केयर करने के लिए उसने जॉब छोड़ा है और वो कर रहे हैं। तो अब सब कुछ हो रहा है, पर ये है कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है ना वो अभी खींच रही है। मैं अपने का बताऊं तो मुझको तो समझ में आ गया है कि हमें ये सब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यदि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारी अगली पीढ़ी अकेले रहे कि क्या मतलब किस दिशा में चली जा रही है, क्या विचारधारा है, कहाँ किस पेज में फंस गए। तो इससे ठीक है कि हम यदि थोड़ा सा उनसे सहयोग करें तो कम से कम हमें ये जानकारी तो रहेगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या किसी परेशानी भी तो नहीं है, कि ऐसे तो नहीं है उनके कुछ हल निकल गए कि अब जो सॉल्व नहीं होंगे, तो ये सब तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा था कि स्त्री विमर्श के कुछ नए पहलू आजकल सामने आ रहे हैं और उनपे बातचीत कम होती है। बातचीत सिर्फ एक सीमित दायरा है कि जो जिस पर विमर्श खूब चल रहा है और विमर्श का कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता है। और ये जो नए नए सवाल आ रहे हैं आजकल, जो नई नई चुनौतियां हैं समाज के कारण, जो जो माहौल हो रहा है, जो हमारा समाज खुला हो रहा है, पहले समाज बंधा हुआ था, आज खुला है, बाजार का बहुत प्रभाव है। अगर मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति परिवार की मजबूत ना हुई तो, और आज की स्थिति ये है कि एक आदमी के कमाने से तो घर चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर सकते, पहले हम लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते थे। तो ये सब चुनौतियां जो स्त्री विमर्श की हैं, इन पर बातचीत कम होती है। मैंने ये इसीलिए संकेत किया, तो खैर समय उतना नहीं कि इस पर आपसे बातचीत हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि नए सवालों पर आपने कोई कहानी लिखी है? नहीं, मैंने हर नई स्थिति पे लिखा है, लेकिन बताया ना कि मेरा जो लिखने का जो तरीका है या कि जो मेरे ध्येय हैं वो वही जाके ही पहुंचेंगे कि उसमें कुछ हल निकलेगा और वही स्थिति है। लेकिन बड़ी है कि मतलब एक अति रंजना जो होती है ना, मैं अति रंजना उतना ज्यादा नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि बिना अति रंजना के भी तो आप बात कर सकते हो और वही मैसेज जाएगा समाज में। वो जो मैं बोल रही थी, इसको आप स्त्री विमर्श ना बोल के आप स्त्री का पक्ष कह दें तो ज्यादा सही रहेगा। और यदि स्त्री विमर्श जिसको नाम दिया ही जा रहा है, तो ये कोई आज का नया नाम नहीं है, ये तो प्रेमचंद जी को आप देख लीजिए, तो ऐसे ऐसे स्त्री पात्र उन्होंने तैयार किए हैं इतने सशक्त, तो वो भी लेकिन स्त्रियां ये है कि आजकल अपने दृष्टि से वो जो लिखने लगी हैं, और समाज तो अब कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन बहुत सारा तो ये है कि हम बाजार बाजार से प्रभावित हैं, लेकिन हमें खुद ये सोचना होगा कि आखिर हम कोई जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो वहां के कंसेप्ट है, क्या पता वो वहां की जरूरत हो, हम उन्हें कितना ग्रहण करें और उससे हमें नहीं, कितना, यानी कि इससे हमारी सही रहे, मजबूरी कितना हमें मजबूरी भी तो मजबूरी मजबूरी भी तो हो गई है। लड़की को पढ़ाना आज आपकी आवश्यकता तो है ही है, आपकी मजबूरी भी है। लड़की को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। लड़की जब पढ़ लेगी तो वो उसकी चेतना विकसित होगी, जब वो चेतना उसकी विकसित होगी तो उसकी पसंद नापसंद, वो किसके साथ शादी करना चाहेगी, किसके साथ घर बसाना चाहेगी, वो माता पिता की इच्छा का पालन करेगी कि नहीं करेगी,
माता पिता की चॉइस उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आजकल के समय की, जो मैं कह रहा हूं और आपने ये महसूस भी किया होगा, आजकल ये नई नई चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो गई हैं, लेखन के सामने भी, महिलाओं के सामने तो है ही है, लेखन के सामने भी है। अब सवाल ये है कि लेखक इसको डील कैसे करता है, लेखक इसमें दिशा कैसे देता है, लेखक जो है वो मतलब इसमें अच्छाई और बुराई का विश्लेषण कैसे करता है, ये एक अलग बात है। तो अब तो चलिए, खैर बातचीत काफी हो गई है, आप अपने किसी खास कहानी, खास मतलब जो है, जो आपको बहुत प्रिय हो, तो उसका थोड़ा सा जिस्ट बता दीजिए। एक तो आपने बता ही दिया था, थोड़ा सा एक का और जिस्ट बता दीजिए और उसका एक छोटा सा अंश पढ़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक ये मेरी कहानी है पिया बसंती, संयोग से ये भी हंस में छपी थी। तो इसमें हाँ मैंने हाँ जो 4 पीढ़ियों में क्या बदलाव आया है उसको मैंने इसमें दर्ज किया है। और ये जो कहानी है तो इसको मतलब ये 2014 में छपी थी। एक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने 2014 के 10 जो श्रेष्ठ कहानियां थी उसमें इसको तीसरे नंबर पे रखा था। ये लम्ही में ये जून के उसमें छपा था उनका वो। तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देती हूँ तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब मेरा मानस क्या है और कैसे बदलाव हुए हैं। यह 20वीं सदी के दूसरे दशक से 21वीं सदी के पहले दशक तक यानी कुल 4 पीढ़ियों का बागी बदलाव है। वानगी देखें, पहली पीढ़ी में पति परमेश्वर बनकर रहे, दूसरी पीढ़ी में परमेश्वर से खिसके और मालिक बने, तीसरी पीढ़ी में पति की तरह होने और रहने की तमीज सीखी और पति बनकर रहे। ये मेरी पीढ़ी है। और यह जो बेशुमार बदलाव के साथ बिल्कुल नई पीढ़ी अवतरित हुई है में पति पिया बसंती बने, पत्नी के चौगिर्द मंडराने में सुख तलाश रहे हैं। वैसे एक भाव प्रत्येक पीढ़ी में समान रूप से देखा गया है, यही कि हर पीढ़ी को पिछली पीढ़ी दरोगा और आगामी पीढ़ी दगाबाज लगती है। दरोगा से हेल मिल बैठता नहीं, दगाबाजों से बैठाने को दिल नहीं करता। पत्नियों की स्थिति देखें तो पहली और दूसरी पीढ़ी की पत्नियां पतियों द्वारा लतियाई जरूर गईं, लेकिन बारी आने पर बहुओं को लतिया कर खामियाजा वसूल लिया। तीसरी पीढ़ी की निशा, जो कि मैं ही हूं शायद, इस विप्रकुल की पहली स्त्री है जो सास बनते ही दहशत में डाल दी गई है। वह ऐसे गलत समय में सास बनी है जब सास की पदवी अमूमन खत्म होने को है और पिया बसंती का ओवर प्रोटेक्शन पाकर बहुएं चालबाज हो गई हैं। निशा खुद को निसहाय बल्कि ठगा हुआ पाती है। दरोगा यानी सास निरोग है और 2 बरस हुए दगाबाज पीढ़ी की आमद हो चुकी है। तो ये जो बदलाव आया है समाज में, जी, एक समय था मतलब पीढ़ी तक बता रही हूं कि 90% ऐसी थी गृहणियां की जो मतलब अर्निंग नहीं थी। तो एक ये दबाव था कि यानी कि हम ही समायोजन बना के चले, कहीं ऐसा ना हो कि पति तलाक दे दें या कुछ। और अब पेरेंट्स भी उस समय, अब तो ऐसी मानसिकता हो गई है कि भी लड़की तलाक ले रही है तो माता पिता खुशी खुशी बुला रहे हैं कि चले आओ, क्योंकि वो तो कमा रही है ना। तो ये जो बदलाव आजकल के लड़के थोड़ा सा मतलब इस चीज को लेके डरे हुए हैं कि कई बार माँ को चुप करा देंगे कि चुप रहो ना, सुन लेंगे, और कहीं तलाक ले ली तो बताओ क्या करेंगे। तो ये जो एक बड़ा बदलाव आया है लड़कियों की शिक्षा से और कैरियर से, तो उनमें इतना तो है कि यदि हमें बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि ऐसी स्थितियां मिली तो वो अपना कमा भी लेंगे और सब कुछ। और अब वो समाज भी नहीं रहा, कोई इसको ये नहीं कहना चाहिए कि सोशल स्टिग्मा नहीं है ये चीज, या कि मेंटल ट्रॉमा कि लड़की तलाक लेके आ गई और माता पिता ने रखा है तो उनका बहिष्कार कर दो। तो ये जो इसमें स्थितियां हैं, और हम जो मेरी पीढ़ी रही मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना सैंडविच बन जाना, कि हम लोग अभी भी मतलब इन लॉज हैं उनका वैसे ही आदर कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो हाय बाय कर देते हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझको भी ये बदलाव थोड़ा सा मतलब ये हमको मानने पड़ेंगे, और ये अच्छी बात भी है। पर ये जरूर मुझे लगा कि वो जो दबाव की वजह से हम लोगों में उतना कम्युनिकेशन नहीं था, कि या कि वो आदर नहीं था, भय था, ये कम से कम हमारे साथ हमारे बच्चे इतने फ्रेंडली तो हैं, हमको मालूम है उन्हें क्या समस्या है, बता रहे हैं। मतलब यदि कोई बेटा ऐसा बोल देता है कि चुप रहो ऐसा ना हो जाओ, तो कितनी बड़ी बात है कि वो माँ से मतलब कि कितना ज्यादा वो फ्री है। तो ये भी बदलाव कुछ हमको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ये तो साथ जो समाज है, हम समाज के साथ या समय के साथ नहीं चलेंगे तो
तो बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, आज देख लीजिए वृद्धाश्रम की सब स्थितियां हैं हमारे सामने, विकल्प ऐसे ऐसे हैं, लेकिन क्या वो विकल्प सही है? तो दो पीढ़ी का जब तक समायोजन रहेगा, यदि हमें चाहिए कि हमारा भी जीवन शांति से बीते, तो वो सब चीजें हम लोग अब स्वीकार करनी पड़ेंगी। तो इस जो ये है, कुछ ऐसे विश्लेषण मेरी कहानियों में जरूर रहते हैं, इसलिए मैं मानती हूँ कुछ शुद्ध परिवार की इसका बहुत बड़ा है ये कुछ की फिर कैसे है? और भी तमाम मेरे बहुत सी हैं ऐसी कहानियां जो आजकल सीनियर सिटीजन का चल रहा है कि वो फिर कैसे समय बिताएं, क्या करें। और ये तो बहुत सही बात है कि रिटायरमेंट मतलब जो खास तौर पर जो बहुत बड़ी पोस्ट में रहे हैं उनके लिए तो एक ऐसा वो वैक्यूम आ जाता है कि हम तो मतलब कहाँ से लगता है आसमान से नीचे गिर गए, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे या किसी से बात नहीं करेंगे। है पर उनको भी धीरे धीरे आपको ऐसा करना ही पड़ेगा कि आप अपने समय बिताने के तरीके ढूंढें। और भी है कुछ कहानियां मेरी कि आजकल ये चल रहा है 60 साल के लोग भी फिर पता चल रहा है कि अकेले हैं, बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर वो कोई यदि उनको सूटेबल मैच मिल रहा है तो वो शादी कर रहे हैं। मेरी कहानी है, पापा ने गलती नहीं की, बच्चे बड़ा विद्रोह कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर वो ये सोचते हैं कि ठीक है हमको तो पापा की केयर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि केयर टेकर आप हो गई है। तो हर तरीके की मानसिकता आजकल इस समाज में है और काम इसी तरीके से चल रहा है। चलिए, बढ़िया है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये इस बात की खुशी है कि मैं एक चलिए आज मेरा ये फोबिया खत्म हो गया है, टेक्नोलॉजी वाला फोबिया खत्म हो गया आपके इसमें। आप सोशल सोशल मीडिया पे आइए, और तो रोज लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगा और बहुत सारी बातें आपके लोग आपसे सीखेंगे, आपको भी बहुत सारे लोग बातें बताएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक ऐसी लेखिका से मिल रहा हूं जिसने निरंतर क्वारंटीन, मतलब साहित्य में क्वारंटीन रह करके इतनी कहानियां लिखी हैं। हाँ क्वारंटीन होके तो मैंने कहा, आज भी समझ लीजिए मेरा लगता है कि वो नेचर ही बन गया है। तो मतलब और मैं न चर्चा की चिंता है, न प्रकाशकों प्रकाशकों के आगे पीछे घूमने की चिंता है, जी न कि इसकी चिंता है कि लोग आलोचक क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्तों को भी आप बहुत अच्छा सबसे लगा सहयोग मिल होगा। रहे हैं, प्रकाशकों से आलोचकों से, अब सबसे एक ये होती है ना स्थिति कि आप अपने आप को पहले थोड़ा सा साबित करके भी कर पाओ, ये भी हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे ये स्थितियां फिर अपने आप सब आ जाती हैं पक्ष में। पर आज को आपको इसलिए भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने ये टेक्नोलॉजी वाला मेरा फोबिया खत्म कर दिया, इसलिए भी आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम में आके, और जिन्होंने मुझे सुना हो, मैं बहुत सब रचनाकारों से परिचित हूँ लेकिन पत्रिकाओं के माध्यम से, सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी नमस्ते। नमस्कार।